बिहार वह जगह है जहां गरीबी को भी एहसास नहीं होता है कि वो गरीबी में है। आप अपने दोस्तों के बारे में जाने या न जाने, दुश्मनों के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए वो क्या दिखाना चाहता है और क्या करना चाहता है। नेता बोलेगा अगर गोली चलेगी तो पहली गोली मेरे पे चलेगी, तो उससे पूछिए ना कि सरकार के पास एक क्या गोली है का? इफ यू आर बैड आई एम योर डैड। स्वागत है आप सभी का लेटेस्ट रिएक्शन मिक्स के एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, कई दिनों से खान सर का वीडियो नहीं देखा है, तो आज हम खान सर के वीडियो पे मिक्स रिएक्शन देखने जा रहे हैं। इस वीडियो में खान सर जो इंडिया ने 370 जम्मू कश्मीर से हटाया था उसके बारे में और जो स्ट्रेटजी इंडिया ने वो हटाने के लिए यूज़ की थी, तो उसके बारे में बताने वाले हैं और समझाएंगे कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख को यूनियन टेरिटरी क्यों बनाई। तो शुरू करते हैं आज का मिक्स रिएक्शन। इनफैक्ट ये एरिया लद्दाख, ये है जम्मू और ये है कश्मीर, जो हम लोग के पास अगर 100% रहेगा तब, लेकिन हम लोग के पास 100% तो है ही नहीं है। हम लोग के पास 60% ये है, 30% पीओके। ये क्या है? पीओके। पीओके आइए अक्साई चीन। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब हम पाकिस्तान इस कंप्लीट को कश्मीर कहता, उसके यहाँ जम्मू नाम का कोई कंसेप्ट नहीं है, सीधे कश्मीर। इसलिए पाकिस्तानी लीडर की बात भी सुनिएगा, भारत कश्मीर में जुल्म कर रहा है। अजब हाले जुल्म कर रहा है। पूरी कश्मीर, पूरे पाकिस्तान की जितनी मतलब इकोनॉमी अच्छी, उससे डबल अच्छी कश्मीर की है। कश्मीर कम से कम उनको भीख तो नहीं मांगना पड़ रहा है। कश्मीर, बात एक चीज हमेशा याद रखिएगा, दुश्मन क्या करना चाहता है और क्या दिखाना चाहता है, दोनों में अंतर होता है। वो कुछ दिखाना चाहेगा, करना कुछ और चाहेगा। कश्मीर लड़ाई है वो है जमीन की लड़ाई, ये पाकिस्तान एक्चुअल चाहता है, लेकिन वो दिखाना चाहता है कश्मीर की लड़ाई मुसलमानों के लिए। तो हमेशा हर वो युद्ध जीत सकते हैं आप जिसमें आपको पता हो दुश्मन दिखाना क्या चाहता है और करना क्या चाहता है। अब हम तो खुल के बोल देते हैं कि ये दिखाना चाहता है मुसलमान की समस्या। अगर आपके पास मुसलमान की समस्या, आप लड़ना चाहते हैं, बेशक लड़िए, लेकिन अपने यहाँ रह रहे आप 20 करोड़ मुसलमानों को एक अच्छी जिंदगी दे दीजिए, उनको खाने के। आप पाकिस्तान को कहते हैं, अब जैसे वहां के ऐसा रहता है कि वहां के लोग भूखमरी नहीं है, वहां के लोग खुशहाल हैं, एजुकेशन बहुत अच्छा है, तो आप बात कीजिए। सजुरे जो तुम्हारे हैं वो तो तुम्हारे है ही नहीं है, उनको खिला ही नहीं पा रहे हो। 1972 में तुम्हारा देश था बांग्लादेश, तोड़ के अलग कर दिए, तुमको अभी भी कश्मीर की पड़ी हुई है। एक बलूचिस्तान अलग हो जाएगा, फिर भी तुमको कश्मीर का दिखेगा। बाद में ऐसा होगा कि पाकिस्तान कहेगा कि बस कश्मीर बच ले गया, बाकी सब चला गया, फिर कहेगा यार कम से कम जो था वही वापस कर दो। तो पाकिस्तान का डिमांड अलग है, वो विश्व लेवल पे ले जाना चाहता है किस बात को, कश्मीर को। इसका फायदा भारत ने बहुत अच्छे से उठाया। 370 में लिखा गया था, 370 में कई सारे प्रावधान है जिसमें 370 का ए जो है वो कभी खत्म ही नहीं हो सकता, ये चीजें याद रखिएगा। ये 370 ए ही कहता है कि जम्मू कश्मीर भारत की सीमा है, मतलब 370 का ए कहता है कि जम्मू कश्मीर भारत की सीमा है। तो कोई ऐसा बेवकूफ आएगा जो 370 ए खत्म करेगा? यार इसको खत्म कर दिए तो जम्मू कश्मीर की सीमा भारत की सीमा नहीं है। अगर कोई राज्य ये कहता है कि मेरी सीमा भारत की सीमा, इस मतलब वो भारत के अंदर में आता है। तो 370 ए कहता है कि भारत की सीमा, जम्मू कश्मीर की सीमा भारत की सीमा, तो हम लोगों ने इसे नहीं खत्म किया। सारा नौटंकी था 370 ए के बाद कि जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति का नियम नहीं लगेगा, आरबीआई का रूल नहीं लगेगा, नागरिकता कानून नहीं लगेगा, विदेश नीति नहीं लगेगी, बहुत झमेला था यहाँ पे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? लेकिन जब संविधान लिखा गया तो अंबेडकर साहब ने ना लास्टली पावर केंद्र सरकार को दे दिए। संविधान को पढ़िएगा ना, तो जितना इमरजेंसी या बड़ा पावर है सब केंद्र को दे दिया गया। तो जम्मू कश्मीर में एक चीज ये था कि अगर कहीं पर शासन में कोई नहीं रहे, यानी किसी को भी बहुमत ना हो, किसी को भी बहुमत ना, तब सरकार के पास कानून आ जाता है बनाने का। तो जम्मू कश्मीर में ना 2019 में किसी के पास बहुमत नहीं था। महबूबा मुफ्ती कहती कि हम जम्मू कश्मीर संभालेंगे, उमर अब्दुल्ला कहते हम चलाएंगे यहाँ पर, बीच में आए अमित शाह हम चलाएंगे, इधर उमर अब्दुल्ला, इधर महबूबा मुफ्ती, मोटा भाई आके केम छो।
उन्होंने संविधान में स्पष्ट लिखा है जब कहीं किसी की सरकार न रहे तो उस राज्य की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की, वहां ना महबूबा मुफ्ती सरकार बना पाई ना उमर अब्दुल्ला, जब किसी की सरकार नहीं थी ऑटोमेटिक राष्ट्रपति शासन, उस दौरान कानून बनाने का अधिकार केंद्र सर, उन्होंने पकड़ा इसको 370 का में बहुत सारे प्रावधान थे रद्द कर दिए, बस एकरा छोड़ के दब रगड़ दिए आप जा ओकरा छोड़ के सब रगड़ दिए। हमेशा याद रखिएगा यहाँ भारत ने चीन की नीति अपनाई है, यहाँ भारत ने कौन सी अपनी नीति अपनी, चीन की नीति को अपनाया गया। क्या नीति है समझिए, चाइना ने 1962 में इसको कब्जा कर लिया, 1962 10% अक्साई चीन, लेकिन चाइना को पता था आज नहीं तो कल भारत इसे छोड़ा ले जाएगा, समझ में आएगी नहीं। तो चाइना की रूल क्या है नीति समझिए, अगर आप किसी से 100 रुपया कर्जा ले लिए हैं और आप चाहते हैं उसे हड़प लेना, तो इसका सबसे आसान चाइनीज फॉर्मूला है, किसी से 100 रुपया कर्जा ले लीजिए और जब वो आदमी मिले ना तो कहे कि हमारा 2000 रुपया तुम दोगे कब, कहे करी कैसा 2000, करा जो 2000 तुम लिए थे, कैसा 2000, कहेगा जो लिए थे 2000, तो बात हो गई 2000 लिए थे कि 2000 नहीं लिए थे, लिए थे कि नहीं लिए थे, 100 रुपया का चर्चा खत्म, 100 रुपया का चर्चा ही खत्म हो गई, नहीं समझ में आया। वही हाल किया है चाइना ने, हमारा कब्जा किया 1962 में और कहता है कि अरुणाचल प्रदेश मेरा है, भारत कहता है कैसे तुम्हारा है, और कहता है मेरा है, भारत कहता है मेरा है, वो कहता है मेरा है। ये चीज हमेशा याद रखिएगा, आप अपने दोस्तों के बारे में जाने या ना जाने, दुश्मनों के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए वो क्या दिखाना चाहता है और क्या करना चाहता है, समझ में आ गया कि नहीं। चाइना दिखाना चाहता है कि अरुणाचल प्रदेश में विवाद है, चाइना दिखाना चाहता है कि अरुणाचल प्रदेश में विवाद है, करना यह चाहता है कि इधर में कोई दिक्कत ना हो। इसका सबसे अच्छा उपाय है चाइना से कहिए कि तिब्बत तुम्हारा कैसे, तिब्बत तुम्हारा कैसे, तो कहेगा अरे भाई तुम अपना ले जाओ, हत्ता बड़का कहे इफ यू आर बैड आई एम योर डैड। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, मेन यही बात है। हम अब भारत ने यही नीति अपना दिया जम्मू कश्मीर में, जब 370 हम लोगों ने 2019 में हटाए थे, 2019 में हटा था मानसून सत्र, मानसून सत्र में हट गया था। अब हमें ये पता था कि ये कश्मीर वाले कहेंगे कि अगर कश्मीर से 370 हटाना है तो हमारे लाश से गुजरना पड़ेगा, तो अमित शाह ने कहा कि इसमें कौन सा बड़ा बात है, गुजर जाते हैं। ये सब चीजें भाषा उकसाव वाला होती है, समझ आ गया कि नहीं, उकसावे वाली ये भाषा है। नेता बोलेगा अगर गोली चलेगी तो पहली गोली मेरे पे चलेगी, तो उससे पूछिए ना कि सरकार के पास एक गोली है का, सरकार के पास परमाणु बम है, पहली गोली हमारे पे चलेगी उसके बाद। तो ये नेताओं की भाषा है। अब पता था ये बात अच्छे से मोदी जी को कि आज नहीं तो कल फिर ये बोलेगा सब कि कश्मीर हमारा है, इसलिए चाइना की नीति पहले 370 हटा दी और उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर को तोड़ दिए और उससे शक्ति छीन के उसे यूनियन टेरिटरी बना दिए। अब उनको 3 लड़ाई लड़नी है कि भैया इसको यूनियन टेरिटरी क्यों बना दिया, राज्य का दर्जा दो। अगर ये लड़ते लड़ते 20 साल 30 साल बाद राज्य का दर्जा ले भी लेते तब कहेंगे दोनों को अलग क्यों कर दिया, एक करो, एक करो। तब तक 370 पुराना हो चुका रहेगा, ये क्या चीज है 370, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। आने वाले 20 साल बाद जो नया जनरेशन पैदा हो रहा है उसको पता ही नहीं है 370 क्या, नहीं समझ में आ गया। आपके जैसे आप लोग जिस जनरेशन में, उनको पता ही नहीं कि मंजन का वो उतना यूज, हम लोग का जिंदगी मंजने पे बीत गया, आप लोग पेस्ट वाले हैं, लो ऐसे मारे थूक दिए, पता चला आप बढ़ियों को सब थूक दिए, हम लोग का मंजन का जमाना था, ऐसे मंजन लिए आराम से और 20 से 25 मिनट लगता था दांत धुलने में और पूरा कोना कोना साफ हो जाता था 20-25 मिनट मंजन से, इसमें मारे खत्म 2 मिनट में खत्म। अब समझ में आ रहा है कि भारत का चाल क्या है, हम लोगों ने कितने स्टेप बना दिए हैं, 3 स्टेप। पहले तो लड़ेंगे लोग कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर को अलग क्यों कर दिया पहला इसमें, उसके बाद कहेंगे भैया यूनियन टेरिटरी क्यों बना दिया, उसके बाद ना आएंगे 370 पे। इसलिए कहते भाई किससे पंगा ले रहा है लोग, थोड़ा समझ में आना चाहिए किससे पंगा ले रहे हो इंसान। इतिहास से हमने यही सीखा है कि कोई इतिहास से कुछ नहीं सीखा है,
इसलिए इतिहास से कुछ सीखिए। इतिहास पढ़ने नहीं बल्कि सीखने का विषय है कि क्या गलतियां हुई, किससे क्या सीख रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा, अगर हम लोग केवल 370 हटा देते तो फिर मुद्दा आ जाता है वापस लाओ 370। अभी कश्मीर को सटाओ, फिर यूनियन टेरिटरी बनाओ। अच्छा, यूनियन टेरिटरी बना दिए तो मुख्यमंत्री की शक्तियां ही खत्म, उसके अंडर में पुलिस नहीं, पुलिस नहीं तो पावर खत्म। मुख्यमंत्री को हवलदार को बोलेंगे कि तुम यहां जाओ, यहां जाओ, शांति से बैठो। तो मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री विधायक का मंत्री बोले ना कोई सेना के एक तो हवलदार को, एक बोटी जेवन लेके खड़ा है सेना के हवलदार को यहाँ पे, फिर मंत्री जी को बताएगा आई चलिए दानापुर छावनी में ले चलते हैं। ले जाएगा छावनी में, वापस लाएगा कोई और। आप लोग को समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हम लोग इन्हें दो भागों में क्यों बांट दिया? अब आगे समझिए, यहां पे ये पूरा एरिया बना दिया गया लद्दाख। ये कंप्लीट एरिया क्या है? लद्दाख। ये यहां से लेके यहां तक कंप्लीट एरिया लद्दाख है। अब समझिए चाल क्या है, बेचारा वो फंस कैसे गया है। ये जितना हम सेट किए हैं ये क्या है? लद्दाख। अब इस लद्दाख का एरिया यूनियन टेरिटरी है, इसमें ना विधानसभा कभी नहीं बनेगी। यानी भूल जाइए कि यहां मुख्यमंत्री बैठने वाला है, कभी नहीं बैठने वाला यहां मुख्यमंत्री। समझ में आ गया कि नहीं? अब ये एरिया है एक्चुअल, ये एरिया जम्मू है। एक्चुअल ये एरिया क्या है? जम्मू। और ये जो एरिया है ये है कश्मीर, ये है कश्मीर। मेनली ये एरिया क्या है? कश्मीर। और ये एरिया क्या है? जम्मू। और ये क्या है? लद्दाख। लद्दाख में बौद्ध धर्म की अधिकता, जम्मू में हिंदू धर्म की अधिकता, कश्मीर में मुस्लिम धर्म की अधिकता। ठीक है, अब जितनी मार धार होता था ना, गोली बारूद, लड़ाई झगड़ा, इंसर्जेंसी, ये सब किस में होता था? कहां होता था? जम्मू में कम होता था। एक बहुत सोची समझी रणनीति के तहत भूगोल को ऐसा सेट किया गया है ना कि अब कभी भी गोली बारूद हमला होगा तो इसी एरिया में होगा। और ये एरिया किस में चला गया? लद्दाख। कहां चला गया? इनकाउंटर लद्दाख, गोलीबारी लद्दाख। अब पाकिस्तान क्या कहेगा विश्व फोरम पे? लद्दाख में फिर गोली चलाया तो यार नया कहां से ले आया तुम? कश्मीर बोल, तुम तो अभी कश्मीर कश्मीर चिल्ला रहा था, लद्दाख कहां से लेके चलाया? रीजन समझ में आ रहा है? हो वहीं रहा है लेकिन हो कहां रहा है? लद्दाख को बात दिए, समझ आ गया कि नहीं आ गया? नाम इसका नाम हो गया जम्मू कश्मीर। यहाँ कोई विवाद नहीं, वैष्णो देवी वही सब, कोई प्रसादी चढ़ाने जाएगा तो कोई एक ईंटा मार दिएगा, इससे यही सब होगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हालांकि जम्मू कश्मीर के लोगों को देखिएगा बहुत कोऑपरेटिव है, लेकिन बस वही है कि जो उधर से आ गया ऐसा ना पड़ोसिया वाला, ये उसी वेशभूषा कपड़ा में पहन के सबको मारता है। अब आप बताइए अगर कोई गमछा बांध दे बिहारी का शक्ल बना के जहां तहां करे तो हम लोग बदनाम होंगे। अब आप हम ही लोग को देखिए, कश्मीर को छोड़िए, बदनाम तो बिहार वाले भी हैं नहीं है, लेकिन आप जाके देखिए कि जितना भी बड़े बड़े काम में, ऐसा नहीं है कि सारे बिहार के लोग, लेकिन क्या है जितना हमने किया नहीं उससे ज्यादा बदनाम होगा। लेकिन बाहर के लोगों को लगता है यार बिहार कैसा होगा, आओ बिहार कभी बताएंगे। बिहार वह जगह है जहां गरीबी को भी एहसास नहीं होता है कि वो गरीबी में है, क्योंकि हमारे यहाँ ना वो कल्चर ही है वही गरीब वाला, सतुआ खा लेंगे, दही चूड़ा खा लेंगे, खिचड़ी खा लेंगे, हम लोग उसी माहौल में ढल गए हैं। समझ में आ गया कि नहीं? हम लोग यहाँ कोई अमीर बनता है ना तो उसको कहता है कौन सी फर्चीन झाड़ रहा है रे। मतलब अमीरी को भी ना अपना चोंगा उतारना पड़ता है। अरे गमछा क्या खरीदोगे तुम, 100 रुपया से गमछा चालू हो जाता है, लगाया हो गया काम खत्म, चल दिया हमें। तो कश्मीर में भी वहां के बेचारे लोग बदनाम हो गए ये इंसर्जेंसी की वजह से। अब यहां बताइए यहीं पर वो मेन अशांति का एरिया है और जम्मू कश्मीर का ये लद्दाख का एरिया कभी भी मुख्यमंत्री नहीं बैठेंगे। मुख्यमंत्री कहां बैठेंगे? जम्मू कश्मीर। कहां पे? जम्मू कश्मीर। लेकिन यहां के मुख्यमंत्री की पावर बहुत ही लिमिटेड रहेगी, जैसे दिल्ली के मुख्यमंत्री की शक्तियां बहुत ही लिमिटेड है, बहुत लिमिटेड शक्तियां, पुलिस देगा ही नहीं। अच्छा कहेगा देखिए पाकिस्तान का, देखिए वहां से मुख्यमंत्री भी छीन लिया, तो कहां छीन लिए है तो वहां मुख्यमंत्री, कहेगा उसको कौन पावर दिए? अरे चोट्टा कहीं का हमारे संविधान में क्या लिखाएगा क्या नहीं लिखाएगा तुम समझाएगा? तो लोग भी कहेंगे ठीक है वहां पे।
अब देख रहे हैं ये ज्योग्राफी इतिहास पॉलिटिक्स सब चेंज कर दिया गया, बहुत सोची समझी रणनीति के तहत। रणनीति किसी को कोई दिक्कत? नहीं, एक दफा वो नाम चेंज करके वो सारा मुद्दा ही चेंज हो गया, क्योंकि पाकिस्तान जो साफ जाहिर है भाई हम तो कश्मीर ही बोलते हैं, कश्मीर में जुलम हो रहा है जी, कश्मीर में जुलम, हमारी गवर्नमेंट हो गई, हमारा मीडिया सारा कुछ कश्मीर ही बोलता है। चलो शुक्र है भाई, शुक्र है खुदा का ये कश्मीर से लद्दाख बन जाए, हमारी जान छूटे भाई, हमारे सियासतदानों का ये जो एरिया तो चूरन जो है ना, ये चूरन जो है ना, ये कम अज कम अभी। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, खान सर जिस तरीके से मजे के साथ समझाते हैं तो उनके वीडियोस देखने में बहुत ही मज़ा आता है, वो टॉपिक को इतनी अच्छे से डिटेल में समझाते हैं और साथ में उनके स्टूडेंट के साथ मज़े भी लेते हैं तो उनके वीडियोस देखने में बहुत ही मज़ा आता है। जहाँ तक बात रही वो जो 370 हटाया है और किस प्लानिंग के साथ और स्ट्रेटजी के साथ हमारी गवर्नमेंट ने उसको हटाया है, तो बहुत ही अच्छी तरीके से उस टॉपिक को कवर किया है इस वीडियो में। और जो चाइना जो नीति अपनाता है अपने दुश्मनों के साथ, वही स्ट्रेटजी इंडिया ने पाकिस्तान के साथ अपनाई है जम्मू कश्मीर और 370 को लेके, क्योंकि जो चाइना के पास हमारा जो 10% हिस्सा है वो उनके बारे में तो वो बात नहीं करता, लेकिन अरुणाचल प्रदेश को क्लेम करता है कि वो हमारा है, तो हम उसमें ही उलझे हुए हैं कि आपका अरुणाचल प्रदेश कैसे हो गया, वो तो हमारा हिस्सा है, तो हम उस पर हमारा झगड़ा है अभी के लिए, लेकिन वो जो अक्साई चीन है उस पर हम उतना ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं। तो वो ही चीन की स्ट्रेटजी है इंडिया को अरुणाचल प्रदेश में उलझाए रखने के लिए, और इंडिया ने भी यही काम किया है 370 हटा के, लेकिन एक जो 370 है उसको नहीं हटाया, क्योंकि वही तो इंडिया की बॉर्डर को मानता है, वो 370 ही, तो उनको छोड़ के बाकी सब 370 के प्रावधान है वो हटा दिए, और जिस तरीके से हटाए कि अब जम्मू और कश्मीर और लद्दाख को तीनों को यूनियन टेरिटरी बना दी है, तो अब जो झगड़ा होगा वो अभी के लिए ये होगा कि इनको स्टेट का दर्जा क्यों नहीं दिया, उनको यूनियन टेरिटरी कैसे बना दिए, तो वो जो यूनियन टेरिटरी है उसको स्टेट का स्टेटहुड दिलाने के लिए अभी झगड़ा होगा, 370 को वापस लाने के लिए और जम्मू कश्मीर के लिए नहीं होगा। तो ये बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी है, और जो खान सर ने कहा कि जो एरिया विवादित था उसको लद्दाख में शामिल कर दिया है, तो अब जो पाकिस्तान इंटरनेशनल फोरम्स पे जाके चिल्लाएगा कि लद्दाख में हो रहा है तो लोग भी हंसेंगे कि आज तक तो आप कश्मीर की बात कर रहे थे और अब लद्दाख पे आ गए, तो ये आपकी क्या कहना क्या चाहते हो। और जो लद्दाख के खान सर ने 2-3 बार ये कहा कि लद्दाख को कभी मुख्यमंत्री नहीं मिलेगा, तो वो मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि क्या लद्दाख हमेशा के लिए यूनियन टेरिटरी ही रहेगा क्योंकि चाइना और पाकिस्तान दोनों के साथ इंटरनेशनल बॉर्डर से, या फिर कोई और वजह है, अगर आप में से किसी को पता है तो वो कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताए। और जो जम्मू और कश्मीर अभी है तो वहाँ पे तब जैसे खान सर कह रहे थे अभी बहुत ही शांति है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। आपके क्या विचार है इस वीडियो के बारे में वो हमें कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना मत भूलिए और चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए।